जनता दल यूनाइटेड ने विभिन्न मांगों को लेकर किया वर्चुअल धरना प्रदर्शन। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा हजारीबाग में विभिन्न मांगों को लेकर वर्चुअल धरना प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव रोमी सलूजा ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा वर्तमान में लागू किए गए ई पास का काफी दुरुपयोग हो रहा है, जिसे तत्काल संज्ञान में लेकर सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने हजारीबाग में हुए कोरोना संक्रमण के कारण 5 मृत पत्रकारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को 5,00,000 रुपए तत्काल मुआवजा के तौर पर मृत पत्रकारों के परिवारों को देना चाहिए एवं पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स घोषित करते हुए उनका 20,00,000 रुपए का इंश्योरेंस करना चाहिए। वहीं वर्चुअल धरना प्रदर्शन के बाद जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रदेश सचिव राकेश गुप्ता ने राज्यपाल के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 183 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने के मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इसे सीबीआई से जांच कराने की मांग की है और कोरोना संक्रमण से हुए पत्रकारों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मुआवजा देने, साथ ही पत्रकारों का मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने और उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा देने का भी मांग किया है। आज हम लोगों ने गूगल मीट द्वारा वर्चुअल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हम लोगों ने सरकार से उक्त मांगे की हजारीबाग में ऑक्सीजन की चोरी करने वाले को, दोषी व्यक्तियों को फांसी की सजा मिले, ई पास जो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उसे दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग बना बना के ई पास यूं ही बेकार में ही इधर उधर घूम रहे हैं। पत्रकारों को फ्रंट लाइन घोषित कर उन लोगों को इंश्योरेंस 20,00,000 का इंश्योरेंस किया जाए और हजारीबाग में 4 पत्रकार जो कोरोना से मृत हुए हैं उन लोगों के परिवार वालों को 5,00,000 मुआवजा दिया जाए। साथ ही हमने शहर के विभिन्न समस्याओं को अवगत कराने का काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जदयू।